हमीरपुर जिला भर में सामान्य से अधिक बारिश होने के बावजूद भी हमीरपुर में एक गांव ऐसा है जहां पानी की सप्लाई ठीक नहीं होने के कारण लोगों को मजबूर होकर पैसे खर्च कर पानी खरीदना पड़ रहा है। शासन ग्राम पंचायत के गांव जटेहड़ी में पिछले 10 दिनों से इस पानी की सप्लाई ठप होने से लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं। अब गुस्साए ग्रामीणों ने पेयजल समस्या का हल नहीं होने पर डीसी कार्यालय के बाहर धरना देने की चेतावनी दी है। हमीरपुर जिला भर में सामान्य से अधिक बारिश होने के बावजूद भी हमीरपुर में एक गांव ऐसा है जहां पानी की सप्लाई ठीक नहीं होने के कारण लोगों को मजबूर होकर पैसे खर्च कर पानी खरीदना पड़ रहा है। शासन ग्राम पंचायत के गांव जटेहड़ी में पिछले 10 दिनों से पानी की सप्लाई ठप होने से लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं। अब गुस्साए ग्रामीणों ने पेयजल समस्या का हल नहीं होने पर डीसी कार्यालय के बाहर धरना देने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि गांव में पानी की किल्लत इतनी ज्यादा हो रही है कि नहाने और मुंह धोने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। गांव वालों की पानी की समस्या को दूर करने के लिए विभाग भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, जिसमें समस्या जस की तस बनी हुई है। पानी नहीं होने के चलते बच्चों को भी बिना नहाए और गंदे कपड़े पहने हुए स्कूल भेजना पड़ रहा है। गांववासी मनोज, मदन शास्त्री, उत्तम चंद, अशोक, जस्सी, नीमा देवी, अनीता इत्यादि ने मांग की है कि जल समस्या को हल किया जाए। महिला अनीता ने बताया कि पानी की समस्या बनी हुई है और पानी नहीं होने के कारण घरों में गंदगी का आलम बना हुआ है। उन्होंने बताया कि बच्चों को भी स्कूल में बिना नहाए और गंदी वर्दी डालकर जाना पड़ रहा है। एक बूंद भी पानी की नहीं आ रही है और सब जगह मतलब कचरा ये गिरा हुआ है, मतलब पानी की वजह से सफाई भी कहीं भी नहीं है, सब जगह गंदगी डली हुई है और सर बच्चे भी मतलब मैल लेकर जा रहे हैं, स्कूल को जा रहे हैं। फिर पीने के लिए तो पानी है ही नहीं, कपड़े धोने के लिए किसी भी चीज के लिए हमारे पास पानी नहीं, बिल्कुल पानी नहीं है। और इस समस्या का कोई हल जरूर किया जाए, नहीं किया जाए तो फिर हम डीसी के पास जाएंगे। जसपाल शर्मा ने बताया कि पानी के नलकों का बिल बराबर भरा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके पानी की सप्लाई नहीं दी जा रही है, जिस कारण मजबूरन पैसे खर्च कर टैंकर मंगवा कर पानी की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने चेताया कि अगर जल समस्या हल नहीं हुई तो डीसी कार्यालय में जाकर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। प्रॉब्लम गई नहीं पानी, 10 दिन मुंह धोने पानी नहीं, बच्चे तक साढ़े बिना नहाते धोते स्कूल जा रहे, यूनिफॉर्म मिली जा रही, डीसी ऑफिस धरना दे जाना। लास्ट पॉइंट साढ़ा यही है, दुखी हो चुके ना, पाइपा पट्टी लिया, पाइपा पट्टी देती कद खलारा पाया, फिर कट्ठे होना पानी मंगवाई लिया करके टैंकर गुजारा कर लेंगे, कहने डीसी ऑफिस धरना देना। बहुत दुखी हुई इतनी पानी पानी टैंकर मंगवा देंगे, पानी बिल्कुल ही नहीं ना आता साढ़ा 10 दिन तो फिर टैंकर मंगवा देगी, टैंकर पानी का मंगवा दे बीजे पानी वाला है, उससे पूछी लिया महीने के महीने मेरा टैंकर थले हो, एक महीने का टैंकर 600 रुपए का आके खट्टी लिया, दुखी हो चुके भाई। हाँ जी बिल हाँ बराबर भरा दे, कोई सामने कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है नहीं हाल होना तो हम डीसी ऑफिस जाते और धरना देंगे ऑफिस जाए। महिला निम्मो देवी और पवना देवी ने बताया कि जब पेयजल समस्या के बारे में विभाग को पूछा जा रहा है तो कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गांव में कोई बावड़ी तक नहीं है, जिसके कारण समस्या गहराती जा रही है। पानी नहीं आता था, इतने पूछे थे पानी गाड़ियों पे, बोलते भी पीछे खराब है, पीछे खराब भी 6 दिन हफ्ते से खराब भी रह गई पीछे, पानी नहीं है ना कोई पढ़ाया ना कोई बांब कुछ भी नहीं है, नलके से भर लेंगे नलके से है भाई, गुजारा कि करा दे जिन्हें लोग टैंक बना दी तेरे कुछ किले आए या फिर भड़ा तो लिया दूर से जाने दो किलोमीटर से भड़ा दे भी जेड़े बीमार समार मान तुझे कि जाना पानी नहीं हफ्ते उज पानी आयो पानी नहीं इतनी नेड़े कुछ दूर जाए ना पानी है ना है। क्या ना तुम जी ना चले जी पानी आने भी बोला दे है बोला दे मशीन खराब है ना पानी नहीं छड़ा दे बीमार समार पूरे क्या लेना इतनी दूर है पानी पीने की समस्या है और पिछले लगभग 7-8 दिन से पानी की एक बूंद नहीं आई है नलकों में। जब विभाग से पूछा गया जिस हिसाब से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जी हमारी मोटरें गड़बड़ हैं, मोटरों में जो है वो मोटर में सप्लाई बिजली की ठीक से नहीं आ रही है। मैंने पूछा कि आपने बिजली वालों से क्या बात की, वो बोले जी बिजली वालों को हमने बोला था कि उसको ठीक करो, तो उन्होंने कहा जी सोमवार को ठीक करेंगे। मैंने कहा फिर इतने दिन लोग प्यासे रहेंगे कहाँ जाएं, यहाँ पानी की ऐसी समस्या है, एक तो पानी को नियमित सप्लाई नहीं देते हैं
कोई समय इनके पास पानी देने का नहीं है, आठ आठ दिन पानी बंद रहता है। और इस ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। अगर डिपार्टमेंट से बात करें तो एक दूसरे अधिकारी पर बोलता है, दूसरा दूसरे अपने अधीनस्थ कर्मचारी को बोल देता है, उसका बहाना लगा देते हैं कि जी उनसे बात कर रहा हूं मैं, वो उनसे बात करो। जब उनसे बात करनी तो वो बोलते कि जी हमारी पाइपें खराब हो गई हैं, लाइनें खराब हो गई हैं, हमारी सप्लाई नहीं आ रही है जी, पानी नहीं चढ़ रहा है जी। बाकी गांव में पानी है, दो टैंक हैं, तीन टैंक हैं, उनमें एक में पानी है, दो में है नहीं। तो इस तरह से जो है वो ये समस्या जो है विगत कई सालों से है। तो इसके बारे में जो शिकायत की जी, हम कई बार डेपुटेशन लेके गए हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो बस कहते जी हो जाएगा ठीक, कुछ दिनों की बात है, हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, इसी तरह से टाल मटोल करते हैं।